हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जब मैं अपनी मॉरिशस ट्रिप पे गया था तब मैंने सोचा था कि मॉरिशस ट्रिप से वापस आने के बाद सबसे पहला वीडियो मैं धोलेरा स्मार्ट सिटी पे बनाऊंगा, क्योंकि जब मैंने अपना ये गिफ्ट सिटी वाला वीडियो डाला था तब काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे उस पे कि भाई प्लीज धोलेरा स्मार्ट सिटी को भी कवर करो। बट अनफॉर्चुनेटली मॉरिशस ट्रिप से वापस आने के बाद हमें होम क्वारंटीन कर दिया गया, और जब तक हमारा होम क्वारंटीन खत्म हुआ तब तक पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो चुका था। तो मैं वहां पे जाके तो आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता, पर जब मैं धोलेरा सिटी के बारे में पढ़ रहा था तो काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे पता चले, तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला वीडियो आपके लिए बनाऊं ताकि आपको भी धोलेरा सिटी के बारे में काफी सारी चीजें पता चले। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में। तो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, धोलेरा स्मार्ट सिटी है वो मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसको धोलेरा स्मार्ट सिटी के अलावा धोलेरा SIR मतलब कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भी बुलाया जाता है। धोलेरा स्मार्ट सिटी वो 903 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब ये ऑलमोस्ट मुंबई से 2 गुना बड़ा है, और शांघाई जो कि चाइना का सबसे बड़ा सिटी है और एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है उससे ये 6 गुना बड़ा है। और इस प्रोजेक्ट के मेजर इन्वेस्टर्स में आते हैं IBM, सिस्को, हिटाची, महिंद्रा, जाइडस एंड मिट्सुबिशी। फैक्ट नंबर 2, इंडिया में भी बन रहे 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज में धोलेरा स्मार्ट सिटी सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी है। उसके अलावा DMIC मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी धोलेरा स्मार्ट सिटी सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी है। इसके अलावा ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, उसका मतलब कि यहाँ पे पहले कुछ नहीं बना था, ये जमीन खाली थी, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे पहले कोई सिटी या फिर और कोई चीज थी जिसे तोड़ के ये बनाया जा रहा है। नहीं, ये पूरा सिटी जो है वो स्क्रैच से बनाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 3, धोलेरा स्मार्ट सिटी है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होगा। फर्स्ट फेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 3,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए, और फर्स्ट जो फेज है वो 2022 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड फेज स्टार्ट होगा और वो 2032 तक खत्म होगा, और लास्ट में थर्ड फेज है वो 2042 तक खत्म हो जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो 57,000 करोड़ बताई जा रही है। फैक्ट नंबर 4, ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा स्मार्ट सिटी बन रहा है तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी वर्ल्ड क्लास ही होगा। तो धोलेरा स्मार्ट सिटी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी होगी 30 मिलियन पीपल पर ईयर। अगर इसे कंपेयर करें अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी है 9 to 10 मिलियन पीपल पर ईयर। उसके अलावा यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी जो धोलेरा सिटी को अहमदाबाद और गांधीनगर से कनेक्ट करेगी, और उसके साथ साथ 6-लेन हाईवे भी होगा जो कि गुजरात के मेजर सिटीज जैसे कि राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर, जामनगर उसको धोलेरा स्मार्ट सिटी से कनेक्ट करेगा। और लास्ट में यहाँ पे एक सीपोर्ट भी डेवलप किया जाएगा फॉर कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। फैक्ट नंबर 5, तो अब बात करते हैं कि धोलेरा को ही क्यों सिलेक्ट किया गया गुजरात में एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। तो उसके कई सारे रीजन है। 18th सेंचुरी में धोलेरा इंडिया का सबसे ग्रोइंग पोर्ट हुआ करता था। उसके साथ साथ 27,000 हेक्टर से ज्यादा की जमीन है वो गवर्नमेंट की जमीन है। और तीसरा रीजन कि यहाँ पे गुजरात के जो बड़े बड़े सिटीज है जैसे कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भरूच, जामनगर, वो सभी धोलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास ही है, तो स्ट्रेटेजिकली ये सबसे बेस्ट लोकेशन है। सो गाइस, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट धोलेरा स्मार्ट सिटी। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तो मैं वहाँ पे जाके आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता, पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मेरा पूरा प्लान है कि वहाँ पे जाके एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाऊं कि अभी कितना डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस कितना हुआ है और कितना कितनी चीजें वो डेवलप हो चुकी है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप नए हो या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड विल सी यू गाइज इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।